एक तो कड़वा सच है, आप बुरा नहीं मानेंगे, नहीं, जो इस फील्ड में जो मॉडल आते हैं उनको कहीं ना कहीं समझौता भी करना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो ये बात को रखती हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? पहले तो अगर आप गांव से हो तो आपको वहां का स्टेट लेवल का जो कॉम्पिटिशन रहेगा वो आपको पार करना पड़ता है। मैं दर्शकों को और सभी महिलाओं को ये कहना चाहती हूँ कि गो कॉन्फिडेंटली इन द डायरेक्शन ऑफ योर ड्रीम। नमस्कार, आज चैनल 9 के स्टूडियो में समृति पंचाल हैं, फैशन की दुनिया में एक जाना माना नाम है। आज हम उनसे बात करेंगे उनके जीवन में किस तरह से शून्य से लेकर के शिखर तक का सफर तय किए, एक मंजिल प्राप्त किए, तो उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं उनके जीवन के बारे में, उनके करियर के बारे में। चैनल 9 के स्टूडियो में आपको बहुत बहुत स्वागत है स्मृति। थैंक यू सो मच राहुल खन्ना जी, और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपने बारे में परिचय दें। मैं बताना चाहती हूँ, मेरा नाम है स्मृति पंचाल। मुझे हाल ही में 2018 में मिसेस यूनिवर्सल का किताब मिला है। उसके पहले मुझे मिसेस ग्लोबल इंटरनेशनल वर्ल्ड, मिसेस एशिया इंटरनेशनल, मिसेस इंडिया अर्थ, मिसेस भारत आइकॉन, टॉप मॉडल ऑफ इंडिया, ऐसे बहुत से जो किताब है वो मैंने लिए हुए हैं। और मैं आई एम फाउंडर ऑफ एसेस एसोसिएट, और मैं मिस एंड मिसेस इंडिया पैसिफिक, ये मेरे खुद की ऑर्गेनाइजेशन है और मैं उस ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती हूँ। तो हम लोग जो है इसमें मेरा, हम लोगों का कॉज रहता है इस किचन टू कॉरपोरेट, यानी जो महिला है, हमेशा समझा जाता है कि महिला जो रहती है उनका एक दायरा जो है वो किचन तक सीमित है। तो हम लोग चाहते हैं कि वो दायरे से बाहर निकल कर महिलाएं जो है वो आगे बढ़े। ये सब करने के लिए, ये चीजें हासिल करने के लिए क्या क्या मेहनत करना पड़ता है? राहुल जी, आपका ये सवाल बहुत ही अच्छा है। अगर आपको ये फील्ड में आना है या आपको शो स्टॉपर बनना है, तो कोई भी फील्ड जो है या कोई भी आपको मकाम हासिल करना है, तो मैं समझती हूँ कि कोई भी मकाम इतना इजी नहीं होता, उसके लिए हार्डवर्क तो होता ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये सब जो मकाम हासिल किए, एक तो 6-6 इंच के हील्स डाल के आपको वॉकिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और उसके साथ साथ आपका चलने का और बात करने का जो ढंग है उसको आपको सुधारना पड़ता है। वी कैन से द पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अब ये रहा कि उनको जाना कहाँ होता है, और जितने सारे लोग हैं तो उनसे कनेक्ट होना, उस एड्रेस पे जाना, वो जो भी सीनियर पर्सनालिटी होती है उनसे उनको मीटिंग करना, मिलना, ये कितना टफ काम है, क्योंकि हर कोई यहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। सही बात है राहुल जी। मैं आपको कहना चाहूँगी, इवन भारत में जितनी भी लड़कियाँ और लेडीज़ हैं, भले वो मुंबई, पुणे, दिल्ली जैसे बड़े बड़े सिटी से ना हो, या फिर छोटे छोटे टाउन से और गांव से हो, वो भी ये पेजेंट में, ब्यूटी पेजेंट में पार्टिसिपेट हो सकती है। इसके लिए आपका मेन तो ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन होना बहुत ज़रूरी होता है। एटलीस्ट आपको 12th या उसके बाद में कुछ कोर्स होना, क्योंकि वो क्वालिफिकेशन करके उनका एक कॉलम आता है, यू हैव टू लगता है। पहले तो अगर आप गांव से हो तो आपको वहां का स्टेट लेवल का जो कंपटीशन रहेगा वो आपको पार करना पड़ता है। तो उसमें आपको बहुत अच्छे तरह से प्रैक्टिस हो जाती है, थोड़े आप में जो कॉन्फिडेंट लेवल है वो बढ़ जाती है। तो जब भी आप नेशनल लेवल पे आती हो तो थोड़े आपको टफ कॉम्पिटिशन को यानी सामना करना पड़ता है। और ऐसे जगह पे जाके, इवन मैं बोलती हूँ कि आप अगर गाँव की लेडीज है या गाँव की लड़कियाँ है, अगर आपका अंग्रेजी के ऊपर प्रभुत्व नहीं है तो भी इसमें कोई बात नहीं है। इवन वेन वी आर गोइंग फॉर इंटरनेशनल पेजेंट, आपकी नेशनल लैंग्वेज जो है वो पूछी जाती है, और हमारी इंडियन नेशनल लैंग्वेज हिंदी है। तो अगर आप अंग्रेजी में बात नहीं कर पाते हो तो आप हिंदी में भी बात कर सकते हो, वहां पे आपको ट्रांसलेटर दिए जाते हैं। अब क्या फिल्मों में भी आने का प्लान है? मैंने पुराने जमाने से बहुत फिल्में देखी है राहुल जी, और मैंने वो दादा साहेब फाल्के जी, उनकी जो पहली फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र, ये मराठी फिल्म भी मैंने बहुत बार देखी है, और मैं खुद यानी बाय बर्थ महाराष्ट्रन हूँ। अच्छा, आपका जो पढ़ाई लिखाई है और जो बचपन रहा, आप महाराष्ट्र से के गए ही रहने वाले हैं, तो कहाँ से हैं आप, थोड़ा सा बचपन के बारे में भी हमारे दर्शक जान ले तो ज़्यादा अच्छा है।
मैं महाराष्ट्र से आई, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई ओनली. वैसे मुंबई में मैं दादर में शिवाजी पार्क में पोर्तुगीज चर्च में मैं बचपन से मतलब छोटे से बड़ी हो गई हूँ. और मेरा नेटिव प्लेस जो है वो रत्नागिरी है. मेरा एजुकेशन किंजौर स्कूल में दादर टीटी में हुआ था. मेरे घर में मैं महाराष्ट्रन फैमिली से बिलोंग्स करती हूँ और मेरे घर में थोड़ा स्ट्रिक्ट एटमॉस्फियर था. मेरे पिताजी जो हैं हमारे घर में सिगरेट दारू इवन चाय भी नहीं पीते थे. तो हम लोगों को उन्होंने इस तरह से बड़ा किया कि सही और गलत ये चीज़ को खुद पहचानिए, खुद डिसीजन लीजिए और आगे जाइए. जो हमारे दर्शकों ने देखा और सुना भी, कुछ ऐसी बातें मन की बातें हैं जो दर्शकों से कहना चाहते हैं? मैं दर्शकों को और सभी महिलाओं को ये कहना चाहती हूँ कि गो कॉन्फिडेंटली इन द डायरेक्शन ऑफ योर ड्रीम. और वो आपका जो अचीवमेंट है, जो आप लाइफ में कुछ अचीव करना चाहती हो, वो आप ज़रूर अचीव करिए. क्योंकि वो एक हैप्पीनेस है, वो एक अलग ही हैप्पीनेस है कि हम लोगों ने जिंदगी में जो चाहा वो पा लिया. लेकिन एक तो कड़वा सच है, आप बुरा नहीं मानेंगे, नहीं, थोड़ा सा हम कुछ ऐसे सवाल भी जानना चाहते हैं जो बाहर के लोगों से सुनते हैं, इंडस्ट्री के लोगों से नहीं, बाहर के लोगों से सुनते हैं कि बहुत मेहनत के साथ साथ कहीं ना कहीं जो इस फील्ड में जो मॉडल आते हैं उनको कहीं ना कहीं समझौता भी करना पड़ता है. समझौता कई प्रकार के होते हैं, आप समझ गए होंगे. मैं नेशनल टीवी पे बैठा हूँ तो ये बातें तो नहीं करूँगा, लेकिन इतना ज़रूर मैं कहता हूँ कि बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ हैं जो ये बात को रखती हैं. इसमें कितनी सच्चाई है? सर राहुल जी, इसके बारे में तो मुझे इतना कुछ एक्सपीरियंस पता नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ अगर खुद कोई भी एक हाथ से ताली नहीं बजती है, अगर लड़कियाँ खूब सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं, उनमें सेल्फ रिस्पेक्ट है और सामने वाले को ना बोलने की उनमें ताकत है, तो कोई भी गलत चीज़ें उनके साथ नहीं हो सकती. चैनल 9 के लिए भी कुछ कहना चाहते हैं? चैनल 9 ये एक ऐसा चैनल है कि इज अ नेशनल टेलीविजन, और चैनल 9 को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभेच्छाएं, गुड विशेष है. थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. आपने चैनल 9 के लिए इतना समय दिए, वक्त दिए. तो देखा दर्शकों, ये समूर्ति पांचाल फैशन की दुनिया में एक जाना माना इनका अपना नाम है और एक अच्छे विचार रखते हैं समाज को आगे लेके चलने के लिए. फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ में और देखते रहिए सच का साइन चैनल 9.